أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته क्या हाल है बच्चों के? ठीक हैं सब बच्चे? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी इकरा अल्फाबेट और लर्निंग बुक की क्लास है। तो काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दुआ पढ़वाऊंगी। चले दुआ पढ़िए। रब्बी श्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उकदतम बिल्लिसानी यफ़क़हू कौली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अल्फाबेट कायदा पढ़ाऊंगी। अच्छा, हम लोगों ने एक अल्फाबेट कायदा ए टू एल पढ़ लिया है, तो आज मैं आपको सारा पिछला रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, तो सब बच्चों ने अच्छे से याद कर लिया है ना? आप सबको तो याद है, तो आज हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच लेटर इज दिस? ए। ए फॉर एप्पल। A for aeroplane. B for book. B for ball. Turn your page. C for cup. C for cake. D for desk. D for door. E for eye. E for egg. F for foot. F for flower. Turn your page. G for glass. G for grapes. H for heart. H for hat. Next page. I for ice cream. I for ink pot. J for jug. J for juice. Turn your page. K for kettle. K for key. K for kettle. K for key. L for lamp. L for lemon. सब बच्चों ने यहाँ तक अच्छे से याद करना है और बार बार रिपीट करना है। ठीक है, अब हम लर्निंग बुक की तरफ आते हैं। ये है हमारी इकरा लर्निंग बुक। ओपन योर बुक्स। लर्निंग बुक में हमने माई फैमिली माई सेल्फ का टॉपिक पढ़ लिया। उसमें हमने क्या पढ़े थे? पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़े थे। उसके बाद हमने माई फैमिली पढ़ा था, और उसके बाद मैंने आपको माई होम का बताया था कि होम में कौन कौन से रूम्स होते हैं। तो ये मैंने बेडरूम के बारे में आपको बताया था कि बेडरूम की थिंग्स कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद मैंने बाथरूम के बारे में बताया था, बाथरूम की थिंग्स पढ़ाई थी मैंने आपको। आज मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊंगी? ये पिक्चर सबको नजर आ रही है? सबको समझ आ तो रहा होगा ये कौन सी जगह होती है घर में ये, और यहाँ क्या होता है? क्या है ये? किचन है ना, और यहाँ मम्मा क्या बनाती है? मजे मजे के खाने बनाती हैं, है ना भाई? तो किचन में कौन कौन सी चीजें होती हैं? देखिए इधर क्या होता है, ये फ्रिज 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 नाइफ 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 गैस स्टोव गैस स्टोव पॉट 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 फ्राइंग पैन फ्राइंग पैन। हम दोबारा पढ़ेंगे। फ्रिज नाइफ गैस स्टोव पॉट फ्राइंग पैन। ठीक है भाई, सब बच्चों ने पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब रिपीट करने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो सब बच्चे बार बार पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम एक नई गेम खेलेंगे जंबल वर्ड्स की। जंबल वर्ड्स में क्या होता है, मैं आपसे
जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं आपको, माई सेल्फ, माई फैमिली, बेडरूम और बाथरूम, इन चारों चैप्टर्स में से मैं आपसे बीच बीच में से पूछूंगी कि ये क्या है, वो विच थिंग इज, तो मैं आपसे पूछूंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं, व्हाट इज दिस, तो आपने सबने बताना है, ठीक है? चले, सबसे पहले व्हाट इज दिस? गुड, शाबाश। क्या है ये? नोज। अब ये क्या है बताइए, जल्दी से बता दीजिए, क्या है ये? लिप्स। क्या है ये? लिप्स। याद हो गया आप सबको? अच्छे बच्चों को तो याद हो गया है भाई। अच्छा, अब इसमें से बताइए, चले ये कौन है भाई, कौन है ये? गुड, वेरी गुड, ग्रैंडफादर। और ये कौन है? मदर। कौन है ये? मदर। चले, अब यहाँ पर मुझे बताइए, विच थिंग इज दिस? लैम्प। शाबाश, लैम्प। और ये क्या है भाई? इधर तुम सोते हैं ना, किस पे सोते हैं हम? बेड पे सोते हैं ना। क्या है ये? बेड। चले, अब यहाँ पर आ जाइए, ये क्या है? क्या हाथ किससे धोते हैं हम अपने? कौन सी चीज से धोते हैं? सोप से धोते हैं ना। गुड, वेरी गुड। क्या है ये? सोप। और इससे कौन नहाता है भाई? इससे तो बड़ा एंजॉय करते हैं नहाते नहाते भाई। कौन कौन नहाता है इससे? क्या है ये? शावर। क्या है ये? शावर है ना, सही। अब आपने भी घर पे ऐसे ही बीच बीच में से सुनना है, मम्मा से कहना है मेरा बीच बीच में से सुने, ताकि मैं टीचर को अच्छे से याद करवाऊं। ओहो, मैंने ये क्या बोल दिया, टीचर को याद करवाऊं? चले भाई, ये तो अच्छी बात है ना, कि जो बच्चे बहुत अच्छे से याद करके आएंगे तो वो मुझे भी याद करवा देंगे, ठीक है ना? शायद मेरी भी कुछ गलती हो जाए, तो आप तो अच्छे से याद करके आ जाएंगे, तो आप मेरी गलती पकड़ेंगे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, ठीक है? और ये मैंने अभी आपको किचन का भी पढ़ाया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको किचन का बीच बीच में से जंबल वर्ड्स करके पूछूंगी, ठीक है? इंशाल्लाह लर्निंग बुक की क्लास और इकरा कायदे की क्लास नेक्स्ट वीक होगी। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।